हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट फ्रेंड अगेन। आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इसका ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT का। एम्बेसी जो ग्रुप है, साथ में ब्लैकस्टोन जो स्पॉन्सर ग्रुप है, ये जो टॉप के रियल इस्टेट प्लेयर्स हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स हैं, उन्होंने ये एम्बेसी ऑफिस पार्क्स करके REIT का इशू IPO लाया है। ये पिछले 2-3 दिनों से ओपन हुआ है 18 तारीख से, और मोस्टली 2 दिन में 50% तक जो रिटेल सेक्शन है 50% भर गया है, और 30-40% जो एंकर इन्वेस्टर पोर्शन है वो भरा हुआ है। तो धीरे धीरे ये भरता जा रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, इसको समझने की कोशिश इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को पढ़ के, स्टडी करके एक ओवरव्यू लेने की कोशिश हम करेंगे। तो ये जो REIT है वो बेसिकली क्या है वो समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। REIT का फुल फॉर्म होता है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो ये बेसिकली क्या होता है कि समझ लीजिए, एक सिंपल बेसिक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो घर के पास कोई, या फिर मॉल में, या फिर किसी जगह पे एक दुकान है जिसकी जो एक अच्छे से कमर्शियल एरिया में, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, तो उसकी कीमत होगी सपोज़ 1 करोड़ रुपए। तो वो जो ओनर है उसके अंदर 1 करोड़ रुपए इन्वॉल्व है, और उसे साल को उससे सालाना रेंट लगभग 12 लाख आता है, जो कि हर महीना 1 लाख के करीब है। तो 1 करोड़ उसके दुकान की प्राइस है जो इसने ख़रीदा है, और 1 लाख उसका महीने का रेंट है। तो REIT क्या होता है, वो आदमी क्या करता है, एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश करता है जिसे REIT कह सकते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसके अंदर जो वो दुकान का पूरा ओनरशिप है, उसके राइट्स वो ऑफिशियली पेपर पे रिटर्न फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह सब ट्रांजैक्शंस करके ट्रांसफ़र कर देता है। तो अभी वो ट्रस्ट उस दुकान की ओनरशिप को ओन करता है। तो अभी जो भी ओनर है उसके पास उसका जो भी रेंट आएगा, जो भी बेनिफिट्स आएंगे, जो भी खर्चे होंगे, वो मालिक को करने पड़ेंगे। तो अभी जो ओरिजिनल ओनर था वो कुछ पैसे लेके उससे हट गया, और उसने उसके पूरे राइट्स वो ट्रस्ट में दे दिए। अभी ट्रस्ट के पास उसके 100 यूनिट्स हैं, जिसके 1-1 लाख के उन्होंने 100 पार्ट किए, और 100 में से 51% वो खुद के पास रखते हैं, जिसके वजह से डिसाइडिंग फैक्टर या फिर लीड रोल उनके पास आ जाता है, वो ट्रस्ट के पास। और जो बचे हुए 49% उसमें से पार्ट है, 49% जो यूनिट्स हैं वो लोगों में बांट देते हैं। तो ये एक सिंपल कंपनी फॉर्मेट जैसा ही है, मगर ये ट्रस्ट होने की वजह से और रियल इस्टेट होने की वजह से इसके सेबी ने कुछ रूल्स मैंडेट किए, कुछ रेगुलेशंस इसके अलग हैं। इसके अंदर स्टैम्प ड्यूटी का रोल बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू शेयर, जहाँ पे अलग ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं। इसका जो यूनिट है वो 1 यूनिट 299 रुपीज़ का है, और ऐसा हमें बल्क में लॉट में बाय करना पड़ता है। तो जो लॉट है वो 2 लाख से 2.5 लाख के करीब है, अगर आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो ये कोई जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये नहीं है, मगर आप दुकान खरीदना चाहते हैं या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज़, खास करके जो ये एम्बेसी REIT है, इसके अंदर बहुत सारे बेंगलोर, पुणे, मुंबई, नोएडा, ऐसे अलग अलग जगह के जो मॉल्स हैं, रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, गोल्फ क्लब्स हैं, ऐसे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने क्लब किए, उनके ओनरशिप के यूनिट वो इसके अंदर ट्रांसफ़र करने वाले हैं जैसे ही इसका बिल्ड ऑफर वगैरह वो सब ख़त्म हो जाता है। और उसके जो भी यूनिट आप बाय करेंगे तो आपको 2.5 लाख में उतने पर्टिकुलर यूनिट आपके नाम पे आ जाएंगे, और उससे जो भी रेंटल इनकम आता है, सेबी ने मैंडेट किया है कि इसके अंदर जो बेसिक कुछ रूल्स उन्होंने बनाए वो मैं बता देता हूँ कि 80% जो भी इसके अंदर, ये मैं फ़ोटोज़ स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप फ़ोटोज़ देखते देखते मेरी बात सुन सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी REITs में इन्होंने ऑफिसेस इंक्लूड किए हैं उसके फ़ोटोज़ यहाँ पे दिखाएं, तो उससे एक आइडिया आ जाएगा कि इस REIT में बेसिकली है क्या, मॉल्स है ये है। तो सेबी ने इसके अंदर मैंडेट किया है कि मोस्टली 80-85% जो है वो रेंट जनरेटिंग रियल इस्टेट चाहिए, सिर्फ लैंड इसके अंदर नहीं रख सकते। 80% से ज़्यादा रेंट प्रोड्यूसिंग एसेट्स ही होने चाहिए, जिसके वजह से इसके अंदर बहुत सारे जो ऑफिस स्पेसेस हैं अलग अलग सिटीज़ में, जिनके अंदर IT कंपनीज़ हैं, मेजॉरिटी IT कंपनीज़ और मॉल्स वगैरह सब हैं, तो वो मिलाकर ये REIT सेटअप हुआ है।
तो जैसे कि मैंने बताया, इसका 2 से 2.5 लाख का एक यूनिट है और पर शेयर प्राइस 299 300 रुपीज़ पकड़ के चल सकते हैं। तो अगर आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको बिड करना होगा, लगभग बिड करने के लिए लगभग 2.5 लाख रुपये, 2 से 2.5 लाख रुपये आपके पास चाहिए। तो इसके जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, ये एक्चुअली पुराना डॉक्यूमेंट है जो सेबी के वेबसाइट पर अवेलेबल है, REIT के सर्च करने पर आपको मिल जाएगा, गूगल पे एम्बेसी REIT प्रोस्पेक्टस या फिर ऐसे कुछ भी सर्च करके मिल जाएगा। तो इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स उन्होंने, बेसिक जो थ्रेट्स है इसके अंदर, जो खतरे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर फ़ायदा है, आपको एक दुकान इजीली 2.5 लाख में दुकान का पार्टिसिपेशन आप कर सकते हैं या फिर रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वॉल्व इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मगर इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जो कि इनका जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है इसमें 10 पार्ट्स इन्होंने एक्सप्लेन किए। पहला जनरल, फिर एग्जीक्यूटिव समरी, फिर रिस्क फैक्टर जो कि हम चेक करने की कोशिश करेंगे समझने की, उसके बाद अबाउट द एम्बेसी REIT, इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके एब्जॉर्प्शन, जितने नए बन रहे हैं उस पर कितना खर्चा होता है, उसका वैल्यूएशन उन्होंने कैसे किया है, कितने टाइम से ये बिजनेस में एम्बेसी और ब्लैकस्टोन और सब जो मिला के इनकी एंटिटी है वो है, कौन कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इशू के बारे में डिटेल्स, लीगल रेगुलेटरी मैटर्स, अदर इन्फॉर्मेशन और एनेक्शस, टोटल जो नोट्स हैं वो सब एंड में दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट, कि एक्चुअली ये लगभग, अगर मैं चेक बताऊं आपको, तो ये लगभग 650 पेजेस का है। तो इसमें से जो मेन पेजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट थ्रेट्स हैं, जो रिस्क हैं, जो प्लस पॉइंट्स हैं, वो हम कवर करने की और जो इसके बाकी डिटेल्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। तो REIT में इन्वेस्ट करने का सबसे फर्स्ट जो पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों के पास बड़ा पोर्टफोलियो होता है, लगभग 1 करोड़ का, 10 करोड़ या फिर 20 करोड़, 50 करोड़ ऐसे, या फिर 10 लाख, या फिर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो 2.5 लाख के 2.5 लाख भी जा सकता है, मगर वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। प्लीज़ मेरा डिस्क्लेमर रेफ़र कीजिए इस वीडियो के नीचे जो है, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजंस बेस्ड ऑन दिस। ये एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ मेरा शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव समरी दिया हुआ है, तो यहाँ से इनके डिटेल्स स्टार्ट होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपके पास बड़ा पोर्टफोलियो है तो उसके अंदर जो एडवाइज़र होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो मोस्टली ऐसे बताते हैं कि कुछ पार्ट आपका गोल्ड में होना चाहिए, कुछ पार्ट आपका रिस्की एसेट जैसे कि इक्विटी में होना चाहिए, कुछ पार्ट रियल इस्टेट में होना चाहिए। को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होता है तो उनको बहुत बड़ा अमाउंट उसके अंदर डालना पड़ता है, जैसे 1 करोड़, 2 करोड़ या फिर 50 लाख ऐसे। मगर अगर आपके पास कम पैसे हैं, कम लॉट में आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं रियल एस्टेट में, वो भी रेंटल प्रॉपर्टीज़ में, प्राइम लोकेशंस में, तो आई थिंक ये एक ऑप्शन उसके बारे में सोच सकते हैं। मगर इसमें ये ऐसा नहीं कि विदाउट रिस्क आता है, तो इसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स जैसे इसके साथ आते हैं, ईजी इन्वेस्टमेंट एबिलिटी। और ये जो REIT है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये आगे, ये अभी 2-4 दिन में शेयर NSE पे या फिर BSE पे लिस्ट हो जाएगा, तो वहाँ से आप इसके अंदर डायरेक्टली भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कोट्स बाय सेल कर सकते हैं इजीली। तो डिपेंड्स ऑन लिक्विडिटी पे भी वो डिपेंड करता है, तो वो एक इसमें बेनिफिट है। तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट सबसे पहले इन्होंने दिए हुए कि लास्ट 3 फिस्कल ईयर्स से ये इस बिज़नेस में है, जो एम्बेसी ग्रुप है, जो ब्लैकस्टोन ब्लैक रॉक जो ग्रुप है इसके अंदर है। और दूसरा, ये एशिया का सबसे बड़ा REIT होगा, इससे पहले भी बहुत सारे REIT सिंगापुर वगैरह अलग अलग जगह पे लिस्टेड है, मगर ये एशिया का सबसे बड़ा, जो कि 5,000 करोड़ लगभग मार्केट से उठा रहा है, तो ये REIT बहुत ह्यूज और बड़ा है। ओके, इसके डिटेल्स आगे दिए हुए हैं, हम लोग आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे इसका पोर्टफोलियो दिया है, बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो डिटेल्स हैं, न्यूज़ आइटम्स हैं, तो उसके अंदर इसका जो पोर्टफोलियो है उसके बारे में कोई डिटेल में बता नहीं रहा है। तो ये जो प्रॉस्पेक्टस है, जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर में बेसिक आइडिया आ जाता है कि जब हम REIT को बाय कर रहे हैं, इस REIT को ओन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली हम रूट में क्या बाय कर रहे हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ा मेन इनके जो सेक्शंस क्लासीफाई कर सकते
सकते हैं। तो चार सिटीज़ में ये स्प्रेड है, फर्स्ट बेंगलुरु, दूसरा मुंबई, फिर पुणे और फिर नोएडा। सबसे ज़्यादा जो इसका कंट्रीब्यूशन है, पार्ट है टोटल मार्केट वैल्यू में सारी आईटी के, वो एम्बेसी मान्यता है, जो कि 41% लगभग इसके अंदर कवर करता है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि इसमें लीजेबल एरिया 14 मिलियन स्क्वायर फीट है, कमिटेड ऑक्यूपेंसी मतलब जो रेंट्स मिल रहे 98% ऑक्यूपाइड है, एम्बेसी मान्यता, एम्बेसी या फिर एम्बेसी। और रेवेन्यू फ्रॉम ये ऑपरेशन से 7,393 मतलब 739 करोड़ लगभग इससे रेवेन्यू आ रहा है साल में, एक साल में आया हुआ है 2018 में। मार्केट वैल्यू इसकी 12,497 मतलब 13,000 करोड़ लगभग इसकी वैल्यू है एम्बेसी मान्यता की, अगर मिलियन में पकड़ेंगे तो ओके 13,000 लगभग 13,000 करोड़ लगभग इसकी वैल्यू है। और बाकी सब डिटेल्स भी दिए हुए, मुंबई में भी इनके हैं 15 से 20% मुंबई में है, पुणे में भी 15 से 20% है, नोएडा में लगभग थोड़ा सा कम है 10% है। तो मोस्टली बेंगलुरु, मुंबई और पुणे में इनका पूरा एरिया स्प्रेड है, और कुछ 4 से 5% है जो इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज़ में, फोर सीजन्स एम्बेसी एट वन, हिल्टन एम्बेसी, हिल्टन एम्बेसी मान्यता वगैरह वगैरह अलग जगह पे, गोल्फ क्लब्स वगैरह कुछ हैं काइंड ऑफ। और इनके जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स और बिजनेस स्ट्रेटेजी इन्होंने एक्सप्लेन किए, सबसे पहला ये कि इंडिया में, इंडिया का ये लीडिंग सर्विस हब है और ग्लोबल कॉरपोरेट्स जो हैं, IBM है जैसे, मैकेफी है, ऐसे बड़े बड़े जो IT कंपनीज़ हैं उनको ये सर्व करता है, उनको सर्विस प्रोवाइड करता है टीयर टू और टीयर वन सिटीज़ में। बेस्ट इन क्लास ऑफिस प्रॉपर्टीज़ और हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एट अट्रैक्टिव कैपिटल वैल्यूज़, इनकी अट्रैक्टिव प्राइजिंग है और उस अट्रैक्टिव प्राइजिंग पे बेस्ट इन क्लास ऑफिस प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसका फंडा ये है कि जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं जैसे कि अमेज़ॉन है या फिर IT कंपनीज़ हैं, ऐसे अलग अलग जो कंपनीज़ हैं उनको ऑफिसेज की ज़रूरत पड़ती है, तो आजकल का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एरिया करके उभर के आ रहा है रेंटल इनकम फ्रॉम ऑफिस स्पेसेस। घर में जो रेंटल इनकम आता है उसके अंदर इतने ज़्यादा रिटर्न्स और इतने फास्ट ग्रोथ नहीं होती है जितनी, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जितनी कि ऑफिस स्पेस में ऑफिस को रेंट देने पे मिलती है। उसके बाद में हाईली ऑक्यूपाइड बाय डाइवर्सिफाइड हाई क्वालिटी स्टिकी मल्टीनेशनल टेनेंट बेस है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनके जो कस्टमर्स है जैसे कि JP Morgan, DBS, स्विस आरी, गूगल, मैकिन्जी, IBM, L&T टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड है इनका जो पोर्टफोलियो है, क्वालिटी अच्छा है इनके कस्टमर्स का, और मल्टीनेशनल टेनेंट बेस है जो कि बहुत देर तक रिटेन करते हैं, वो कोई एक दो साल के लिए रेंट पे नहीं लेते बिल्डिंग, लेते हैं तो 10 साल 20 साल ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। उसके बाद सिंपल बिजनेस मॉडल विथ स्ट्रॉन्ग एम्बेडेड ग्रोथ, सिंपल बिजनेस मॉडल इन्होंने अडॉप्ट किया है, उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स ये यूज़ करते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एस्केलेशंस, रीलीजिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंट्स एट मार्केट रेंट्स, लीजअप ऑफ एग्जिस्टिंग वैकेंसी, ऐसे अलग अलग तरीक़ों से इन्होंने अच्छे से सिंपल बिजनेस सेटअप किया है। इनके जो ऑफिस स्पेसेस है वो टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में लोकेटेड है जहाँ पे एंट्री को बहुत ज़्यादा बैरियर है। यहाँ पे ये पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े सिटीज़ होते हैं जैसे बेंगलोर, मुंबई, पुणे, यहाँ पे अगर कोई इनका कॉम्पिटिटर आ भी जाता है तो उनको उसको सेटअप करने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लैंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से इनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसके अंदर मिल रहा है। और हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम ड्राइव्स वैल्यू थ्रू प्रोएक्टिव एसेट मैनेजमेंट, इनके पास हाईली एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो कि प्रोएक्टिवली पूरे सिस्टम को इनके मैनेज करता है, मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया। और इनके जो स्पॉन्सर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं जैसे कि एम्बेसी स्पॉन्सर और ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर है जिनके पास लोकल मार्केट्स का ग्लोबल एक्सपर्टीज़ है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है ब्लैकस्टोन को एक्चुअल रियल इस्टेट रिलेटेड चीज़ों में। तो ये इनके स्ट्रेंथ्स, इन्होंने बेसिक जो सिंपल बिजनेस मॉडल, बैरियर टू एंट्री वगैरह एक्सप्लेन किए, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर्स एक्सप्लेन किए। एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स लगभग 35 to 40
तक गए हैं, तो ये बहुत बड़ा है, तो इनको मैं शॉर्ट में मेन मेन पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला है वी हैव नॉट एग्जीक्यूटेड रिस्क, जो ये पूरे इशू का रिस्क, मतलब जो REIT का जो IPO आ रहा है, बुक बिल्डिंग आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, वो एक्सप्लेन किए। सबसे पहला, वी हैव नॉट एग्जीक्यूटेड बाइंडिंग एग्रीमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन ट्रांजैक्शंस एंड सर्टन एग्रीमेंट्स फॉर द प्रपोज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क फॉर द पोर्टफोलियो एंड आवर एबिलिटी टू कंज्यूमेट दिस ट्रांजैक्शंस विल इम्पैक्ट द साइज ऑफ द इशू एंड द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू कंप्लीट दिस इशू। फर्दर, वी विल अज्यूम एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज इन रिलेशन टू द पोर्टफोलियो विच लाइबिलिटीज इफ रियलाइज्ड मे इम्पैक्ट द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ द यूनिट्स एंड आवर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एबिलिटी टू मेक डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट इन्होंने बताया हुआ है कि इसके अंदर जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट किए हुए हैं कि इनके पास ऑफिसेस हैं, तो उनके जो ओनरशिप है वो अभी पूरी तरीके से ट्रांसफ़र हुई नहीं है। जैसे ही ये इशू का पूरा कंप्लीशन हो जाएगा, तो पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो, जहाँ तक मैं जो समझ रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो इनिशिएट हो जाएंगे और बाइंडिंग क्रिएट हो जाएगा कि इन्होंने इनको बेच दिया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा किया सेलिंग का, और इधर से यूनिट्स ट्रांसफ़र हो गए और वो यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए और उनको पैसे मिल गए। तो ऐसे पूरे जो प्रोसेस है ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये सब्जेक्ट टू रिस्क है कंप्लीशन का, कि कंप्लीट नहीं भी हो सकती, कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है, होल्ड पे भी जा सकता है किसी वजह से। तो ये अजम्पशन बेसिस पे है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये सब कुछ सही चलेगा और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक ही पॉइंट में उन्होंने बताया कि इनके कुछ लायबिलिटीज़ है, जैसे कर्ज़ा, जिसे कहते हैं हिंदी में सिंपल वर्ड कर्ज़ा, या फिर देना जिसको लगता है, इनके कुछ देने हैं पोर्टफोलियो से रिलेटेड, तो वो भी इसके प्राइसिंग को फ्यूचर में या फिर वाइल लिस्टिंग इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये दूसरा पॉइंट वही पहले वाले को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर जो यूनिट सेल कर रहे हैं वो ऑफ़र फॉर सेल है और एग्जिस्टेंस में आए नहीं हैं। ओके, तीसरा है, आफ्टर कम्प्लीशन द इशू एंड लिस्टिंग इफ इंटेंट टू ऑब्टेन एक्सटर्नल डेट फाइनेंसिंग टू रुपए, और इन्होंने कहा है कि ये यूनिट्स बेचने के बाद इनके जो ओनर्स हैं, इनके जो प्रमोटर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनके ऊपर जो लायबिलिटीज है, जो उनके कर्ज हैं, वो कर्जे चुकाने के लिए इससे जो पैसे खड़े करेंगे वो यूज़ करेंगे, तो उसके वजह से उनकी आगे की जो फाइनेंसिंग एबिलिटी है वो थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हो सकती है। ये एक रिस्क उन्होंने एक्सप्रेस किया, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। और इनके जो कैश फ्लोज़ हैं, जिसके वजह से इनको डेट, इनके ऊपर जो कर्जा है, तो लायबिलिटी सर्विस डेट में इम्पैक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस टू यूनिट होल्डर्स, तो यूनिट होल्डर्स को जो यूनिट्स दिए जा रहे हैं, तो इनके कर्जे के वजह से वो प्रोसेस इम्पैक्ट हो सकता है निगेटिवली, जिसके वजह से उनके कैश फ्लो सक हो सकते हैं, कैश फ्लोज ड्राई आउट हो सकते हैं। नेक्स्ट है, और यूनिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की जो यूनिट होल्डर्स हैं उनको प्रोवाइड करने की गारंटी ये प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो रिस्क लेवल्स हैं वो सब उन्होंने अज्यूम किए, उसके रिलेटेड वो गारंटी नहीं दे सकते, इनएबिलिटी एक्सप्रेस किया। उसके बाद सिक्स्थ है, REIT के जो रेगुलेशंस हैं कि 20% से ज़्यादा दूसरे एसेट नहीं रखे जा सकते, 80% से ज़्यादा तो मोस्टली रेंट जनरेटिंग एसेट होने चाहिए, तो इसके वजह से अगर उनको नया इन्वेस्टमेंट करना है तो वो 20% के ऊपर ही वो पूरे जो भी गेम, जो भी मूवमेंट हैं गेम के पूरे, वो 20% पे मोस्टली बेस्ड होंगे। तो ये जो रेगुलेशंस है और बाकी जो कंडीशन सेबी ने पुट फॉर्थ किए कि जो भी सरप्लस रेंटल होगा वो रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा मिनिमम साल में 2 बार, ऐसे जो कंडीशंस हैं उसके वजह से उनकी ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी इम्पैक्ट हो सकती है, एक रिस्क एक्सप्रेस किया है। और इसके अंदर इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया कि बहुत सारे लोगों को ये एक भी क्वेश्चन है कि हमें जो शेयर्स में, हम कंपनी के शेयर्स में डील करते हैं, तो उसमें शॉर्ट टर्म टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म होता है, उसके बाद अलग अलग तरीके के जो टैक्स होते हैं, तो वैसा ये जो REIT है इसके ऊपर कैसा टैक्स है। तो फर्स्ट जो ये टैक्सिंग का जो मेथड है उसके अंदर गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस है जो प्रोहिबिट करते हैं ऐसे कंपनीज़ को जिनकी इनडायरेक्ट होल्डिंग है, मगर मैं, जैसे कि मैंने कंपनी होल्ड की और वो कंपनी के थ्रू मैंने और दूसरी कंपनी होल्ड की और उसके नीचे मैंने अलग अलग लैंड एसेट वगैरह होल्ड किए, तो उसके अंदर टैक्स बेनिफिट्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है।
उसमें टैक्स बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलते हैं। तो इनके कुछ जो SPVs हैं, जिसे स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स कहा जाता है, जैसे कि एक मॉल है, उसको मॉल को रजिस्टर करना पड़ता है, तो वो SPV करके रजिस्टर करते हैं और उसके पूरे ट्रांजेक्शन्स उसके अंडर एग्जीक्यूट करते हैं। तो वैसे कुछ SPVs हैं जो इनडायरेक्ट होल्डिंग वाले हैं, तो उसकी वजह से टैक्स लीकेज क्रिएट हो सकता है। टैक्स लीकेज मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स उसमें लग सकता है, वही रिस्क है। दूसरा आठवा रिस्क इन्होंने बताया, इनका जो बिज़नेस है वो इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, फाइनेंशियल मार्केट पे डिपेंडेंट है, जिसमें बहुत सारे रिस्क आते हैं, जैसे कि एक्सचेंज रिस्क है, डॉलर की वैल्यू अगर कम ज़्यादा होती है मार्केट में, टैक्स के रूल्स चेंज होते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली जो GST है वो 5% वगैरह चेंजेस किए प्रॉपर्टी पे, तो वैसे इम्पैक्ट इस पर हो सकता है ओवरऑल जो सरप्लस डिविडेंड ये देंगे उस पर। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इनकी जो हिस्ट्री है उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं, मोस्टली 2 से 3 साल से REIT का इन्होंने पूरी इनिशिएटिव लिए, REIT तो 1 साल से ही सेटअप किया है, ऑफिस बिजनेस में ये 2-3 साल से ही है, तो वो एक लिमिटेशन है या फिर रिस्क है। और जो कंडेंस कंबाइल फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड किया है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में, वो नेसेसरली रिप्रेजेंट नहीं करता इनका कंसोलिडेटेड फिनेंशियल पोजीशन, और कैश फ्लोज भी प्रॉपरली इंडिकेट करेगा ऐसे ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, बिजनेस की वजह से। इनके कुछ जो टॉप 10 tenants हैं, 10 नंबर का पॉइंट है इसके अंदर, ये रिस्क बताया कि कॉन्सनट्रेशन रिस्क एक है कि इनका जो टेनेंट कॉन्सनट्रेशन है, मतलब इन्होंने जिसको इनका जो बिल्डिंग्स हैं, जो फिर जो भी इनके ओनर्स ओन किए हुए ऑफिसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लिए ऑफिसेस हैं, उसके अंदर टॉप 10 जो कस्टमर्स हैं वो मोस्टली 47% ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसमें से अगर ये टॉप 10 चले जाते हैं तो इनका 40-50% डायरेक्ट रेंटल लॉस हो सकता है। सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन भी है, 40-50% इनका IT में है, IT कस्टमर्स है, जैसे कि IBM, कॉग्निजेंट एक्सेट्रा, तो मोस्टली तो IBM इनका सबसे बड़ा कस्टमर है और फिर कॉग्निजेंट है जो कि 25-30% ऐसे रेंज में है। पार्क और सब मार्केट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क भी है इसके अंदर। 11th है इनके जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने रेंट पे लिया हुआ है वो क्या परमानेंट उन्होंने लिए नहीं है, जिनसे इनको परमानेंट इनकम आ रही है, तो इन्होंने भाड़े पे दिया हुआ है जो भी इनके जगह है ऑफिस स्पेसेस है, तो ऐसा हो सकता है कि उनके जो कस्टमर्स है वो रिन्यू ना करें किसी वजह से, बिजनेस डाउनटर्न की वजह से, तो वो एक रिस्क इसके अंदर होता है। कमर्शियल रियल इस्टेट मार्केट पे इनका परफॉर्मेंस डिपेंड है, अगर रिसेशन आता है कमर्शियल रियल इस्टेट में, बहुत बार लोग कहते हैं कि मंदी आ गई है रियल इस्टेट मार्केट में, तो वैसा अगर इसमें होता है तो वो भी इनके कैश फ्लोज़ को, ओवरऑल जो डिविडेंड मिलता है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। इनका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मटेरियली डिफरेंट हो सकता है एक्सपेक्टेशन जो एक्सप्रेस किए, तो मेन पॉइंट्स में कवर कर देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ होंगे मैं वहाँ ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। और इनके जो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स है वो पोर्टफोलियो में अजम्पशंस पे बेस्ड हैं, तो वो भी अजम्पशन अगर कम ज़्यादा पकड़ेंगे तो वो हिसाब से वो वैरी हो सकता है। और अगर सपोज़ इन फ्यूचर अगर इनको कोई ऑफिस से रिलेटेड इम्पेयरमेंट लेना पड़ता है, सपोज़ कोई प्रॉब्लम आ गया किसी ऑफिस में, वो पार्ट उनको कट करना है, तो वो भी उनके जो अर्निंग्स है फ्यूचर के उसको इम्पैक्ट कर सकता है। इनका जो 424 करोड़ का लगभग का जो प्रॉपर्टी टैक्स मैटर का क्लेम है, तो वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में कंसिडर नहीं किया गया है, तो वो एक इम्पैक्ट कर सकता है फ्यूचर में ओवरऑल वैल्यूएशन पे। ये लोग थर्ड पार्टी ऑपरेटर्स को डिप्लॉय करते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ को मैनेज करने के लिए, तो वो एक रिस्क है। एनवायरमेंटल लॉज रेगुलेशंस वगैरह चेंज होते हैं तो वो भी इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि वेदांता जैसी बड़ी कंपनी को उनका एक बड़ा प्लान जहाँ से 30-40% कॉपर स्मेल्टिंग होता था, तो वहाँ पे बैन करने की वजह से वो कंपनी को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, तो वैसे एनवायरमेंट रिलेटेड रेगुलेशंस को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, तो वो भी एक काइंड ऑफ रिस्क है बड़ा सा।
और इनके अंदर जो पोर्टफोलियो स्टेक होल्डर्स है जैसे कि ब्लैकस्टोन है, उसके बाद एम्बेसी स्पॉन्सर ग्रुप्स हैं, तो उनके इंटरनल रिलेशंस भी इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो 50-50% या फिर 40% ऐसे अलग अलग ओनरशिप है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में। सेफ्टी सिक्योरिटी क्राइसिस मैनेजमेंट वो तो कॉमन रिस्क है। ये जो न्यू प्रॉपर्टी मार्केट आया है तो न्यूनेस का एक रिस्क है कि नई मार्केट में कैसे बिहेव करेगा, ये REIT बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, उसके बारे में कंफर्म हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, वो एक रिस्क है। रेगुलेटरी जो अप्रूवल्स हैं वो रिन्यू नहीं हो सकते, वो भी एक रिस्क है कि हमें जो परमिशंस मिले ऑपरेट करने के लिए वो रिन्यू नहीं हुए, तो वो भी एक रिस्क है। इनके बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो MMRDA में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, उसके बाद नोएडा में है, MIDC में है, तो उनके इंडिविजुअल SEZs में बहुत सारे, तो इंडिविजुअल जो इश्यूज़ हैं जो प्रॉब्लम्स हैं वो इनको फेस करने पड़ सकते हैं इन केस। इनके जो इंटरनल एम्बेसी स्पॉन्सर ग्रुप है, ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर ग्रुप है, तो उसके अंदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का भी रिस्क हो सकता है। सोलर ऑपरेशंस रिन्यूएबल पॉलिसी पे डिपेंड करते हैं, बहुत जगह पे यहाँ सोलर एनर्जी यूज़ की गई है, तो अगर कंप्लायंस रिस्क है। SEZ SPV में वो तो कवर कर दिया। एक्चुअली ये बेसिकली REIT इशू है, तो इसके अंदर लैंड का बहुत सारा पार्ट है, लैंड एक सिग्निफिकेंट इशू है इसके अंदर, तो लैंड से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, लीगल इशू जो बहुत सारे होते हैं ज़मीन से रिलेटेड, तो वो एक रिस्क इसके अंदर हो सकता है। फ्यूचर एक्विजिशंस अगर कोई इनको करना है तो वो सक्सेसफुली कर सकते हैं, ऐसा कोई गारंटी ये दे नहीं सकते। जो लीड मैनेजर्स हैं एम्बेसी स्पॉन्सर ग्रुप हैं, जो मैनेजर्स हैं एम्बेसी स्पॉन्सर हैं, जो ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर ग्रुप एक्सेट्रा हैं, तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क आ सकता है। वर्किंग कैपिटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, फंडिंग के अनअवेलेबिलिटी के लिए वो हैंडल नहीं कर पा सकते हैं सक्सेसफुली, वो एक रिस्क है। ये रियल इस्टेट रिलेटेड ऑपरेशन रहने की वजह से अंडर कंस्ट्रक्शन रियल इस्टेट में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से एक रिस्क है कि कॉस्ट ओवर रन्स और अनकम्प्लीशन का एक रिस्क हमेशा कैरी करते हैं। और इसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो 33 नंबर का मुझे लगा, कि ये REIT इशू 5,000 करोड़ का इन्होंने लाया हुआ है, तो इनकी जो MPPL इसके अंदर एंटिटी है REIT की, जो ओनर यूनिट्स जो होल्ड करेगी, जिसके पास ये यूनिट्स ये लेंगे, तो उनका लोन का इशू है 861 करोड़ का अलग अलग कंपनीज़ में, जिसके अंदर MPPL भी इंटरेस्टेड थी, तो उससे रिलेटेड उनको 191 करोड़ जो है वो वापस मिल गए और बचे हुए पैसे आने के बाकी हैं, तो वो एक 850 करोड़ का एक इशू रिलेटेड है। और UPPL जो दूसरा है उसके 206 करोड़ का इशू है, उसमें से 105 करोड़ UPPL जिसमें इंटरेस्टेड है या फिर उसका डायरेक्टर कनेक्शन है तो उसमें है, उस लोन में से कुछ पैसे उनको आए हैं, तो ये लोन रिलेटेड जो इशू है ये थोड़ा सा मुझे कंसर्निंग लगा, कि इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन की एक्चुअली थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, इजी सिंप्लीफिकेशन होता था समझ में आता था, क्योंकि 861 करोड़ का अगर लोन का कुछ प्रॉब्लम है जिसमें से सिर्फ 126 करोड़ अभी तक उन्होंने रिकवर किए, या फिर उनसे रिलेटेड डायरेक्टर पार्टी में, तो सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि निगेटिव इशू है, बट इस पर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी जो मुझे भी ठीक से समझ में नहीं आया इतना।
डायरेक्ट टैक्स एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का इश्यू इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि रियल इस्टेट रिलेटेड पोर्टफोलियो में जो खर्चे हैं, जो फिर जो ऑपरेटिंग चार्जेस है, वो कंटिन्यू वैरी होते हैं या फिर बढ़ भी सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स अंडर फाइनेंशियल एग्रीमेंट दैट कुड लिमिट आवर फ्लेक्सिबिलिटी, तो इनके जो रिस्ट्रिक्टिव फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हैं इनके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ या फिर इनके जो इंटरनल पार्टीज़ हैं, तो वो उनके कैश को और कैश यूसेज को लिमिट कर सकते हैं। जो फ्लैगस्टोन स्पॉन्सर है उसने कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है कि राइट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर उनको मिलेगा, जो कि पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू हो सकता है। जो रोफो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया हुआ है मैनेजर और ट्रस्टी में, जो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एसेट एक्वायर करने के लिए इन्होंने किया हुआ है एम्बेसी स्पॉन्सर इसके प्रेजेंट और फ्यूचर सब्सिडरीज के लिए, तो उसके अंदर अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। और एम्बेसी ब्रांड को इन्होंने जो यूज़ किया एम्बेसी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का है, तो उसके लिए उनको 1 लाख पर महीना देना पड़ता है, तो वो अगर निकाल दिया तो उनका ब्रांड नेम कट हो सकता है। हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में जो REIT रियल इस्टेट है उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स अभी एंटर कर रहे हैं, तो एक हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड है। पूरा इंश्योरेंस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत वाइड स्प्रेड बिजनेस में है, तो एक इंश्योरेंस मिसिंग रिस्क इसके अंदर है। इंश्योरेंस तो निकालते हैं ये लोग, मगर फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर चीज़ का प्रॉपरली पूरा रिकवरी हो जाए अगर इंश्योरेंस क्लॉज ट्रिगर होता है तो। उनके जो लिटिगेशंस पेंडिंग है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दिए हैं जो केसेस इनके नाम पे पेंडिंग है, तो उनका फ्यूचर में निगेटिव असर हो सकता है अगर कोर्ट के कोई डिसीजन बहुत ही एडवर्स आते हैं। जैसे कि इनके जो मेजर इश्यूज वो हैं एम्बेसी REIT के 1109 करोड़ के रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स के हैं, बाकी छोटे छोटे 100-150 ऐसे करोड़ के हैं, और एसोसिएट ऑफ द मैनेजर के 51 करोड़ का है, 16 करोड़ का प्रॉपर्टी, 163 करोड़ का प्रॉपर्टी इनडायरेक्ट टैक्स के इश्यूज़ है, तो ऐसे अलग अलग जो लिटिगेशन है वो भी इम्पैक्ट कर सकते हैं इन केस ये एक रिस्क डिफाइन किया हुआ है। रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट की जो इलिक्विडिटी है, क्योंकि रियल इस्टेट मार्केट बेसिकली इतना लिक्विड नहीं होता है, तो वो इलिक्विडिटी इनके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। इसके अंदर जो वैल्यूएशन के लिए और कैलकुलेशन के लए रिपोर्ट यूज़ किया है वो CBRE रिपोर्ट है, तो वो इनके कुछ बिजनेसेस के कस्टमर्स या फिर रिलेटेड कंपनी है, तो वो एक रिस्क हो सकता है कि सेम कंपनी उसको एनालाइज कर रही है या फिर उनसे रिलेटेड कंपनी उसको एनालाइज कर रही है। कुछ रजिस्ट्रेशन या स्टैम्प ड्यूटी के छोटे बहुत इश्यूज़ हैं, सिक्योरिटी और IT का रिस्क है, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस का रिस्क है, अगर कुछ इन्वेस्टर्स या फिर जो इन्वेस्टी कंपनीज़ हैं वो फॉरेन अमेरिकन जो फैटका का रूल्स है जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है मेरे चैनल पे, तो वैसे रिस्क एसोसिएटेड है। US रिलेटेड इश्यूज़ इन्होंने दिए, यहाँ पे कुछ रिस्क डिफाइन किए जो कि रिलेशनशिप है स्पॉन्सर्स जो हैं इसके एम्बेसी और ब्लैकस्टोन, तो उनके रिलेशन पे बेस्ड इन्होंने कुछ रिस्क डिफाइन किए। कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिसके ऊपर इनके स्पॉन्सर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो 50% या 51% होल्डर्स हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे दिया एडिशनल द एम्बेसी स्पॉन्सर होल्ड्स 51% ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द मैनेजर एंड देयरफॉर विल बी एबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजर। जो मैनेजर ही ये पूरे प्रॉपर्टी के, उसके अंदर एम्बेसी स्पॉन्सर ग्रुप के 51% शेयर है, तो वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं।
ओवरऑल ये एक पूरे ग्रुप के इंटरनल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। इनके जो स्पॉन्सर ग्रुप्स हैं, एम्बेसी स्पॉन्सर ग्रुप, ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर ग्रुप, ब्लैकस्टोन स्पॉन्सर जो हैं, इनके अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है इंटरनली, क्योंकि सबका बिजनेस एरिया एक ही है, मिलके वो बिजनेस कर रहे हैं। फ्यूचर में सेपरेट होंगे तो इश्यूज आ सकता है। कुछ एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसके बारे में इन पर जिसके ऊपर इनका पूरा कंट्रोल नहीं है, फिर भी इन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में एक्सप्लेन किए हुए हैं, मगर फिर भी कुछ लोग उसको बाईपास कर सकते हैं। तो वो एक रिस्क हमेशा जो हर कंपनी में होता है, वैसा एक रिस्क एडिशनली इसके अंदर भी है। जो मैनेजर्स हैं कंपनी के, तो उसके ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो वो अगर चला जाएंगे, जो प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं या फिर ओवरऑल ऑपरेशन जो मैनेज करते हैं, तो उनके जाने का एक रिस्क है। उसके परफॉर्मेंस का भी रिस्क है, रिस्क रिलेटेड टू इंडिया भी है। इंडिया से रिलेटेड रिस्क इन्होंने डिफाइन किया है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन इम्पैक्ट कर सकते हैं, और जो REIT रेगुलेशंस है, नया सेक्टर होने की वजह से सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है वो भी इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। और सोवरिन जो रेटिंग होता है, जो मूडीज़ वगैरह करते हैं, तो उसके वजह से भी इनके ट्रांजैक्शंस इम्पैक्ट हो सकते हैं, जिसके वजह से US वगैरह से पैसे रेज करते हैं, तो वो पैसे रेज़ करने की जो प्रोसेस है वो भी इससे इम्पैक्ट हो सकती है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े से अलग हैं, US जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, तो वो डिफरेंस का एक रिस्क है। फॉरेन फॉरेन जजमेंट से एनफोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंडिया में रजिस्टर्ड है और इंडियन लॉ से डील करेगा। टैक्स लॉ चेंजेस का रिस्क है इंडिया रिलेटेड, इंडियन टैक्सेस भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली बताया हुआ है टैक्स का कि 15% कैपिटल गेन टैक्स होगा, अगर 36 मंथ से लेस अगर आप यूनिट होल्ड करते हैं और सेल करते हैं, अगर 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 10% अगर 36 मंथ से कम होल्ड करते हैं तो 15% अगर STT पेड किया होगा तो, और 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो 20%, और अगर STT पेड नहीं किया होगा तो अकॉर्डिंगली टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा। तो ये एक्चुअली जब डिविडेंड आएगा आई थिंक तब देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा टैक्सिंग, और आई गेस सेबी का और क्लैरिफिकेशन भी उसके ऊपर आ जाएगा। और 61th जो रिस्क है वो है कि लैंड से रिलेटेड होने की वजह से गवर्नमेंट के कॉम्पेंसेशंस अलग अलग लॉज उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन एक्ट को भी रिस्क है, कंपटीशन एक्ट भी इम्पैक्ट कर सकता है। और ट्रस्ट हमारे, ये जो ट्रस्ट है इरेवोकेबल ट्रस्ट है, मगर ये डिसॉल्व भी हो सकता है, तो ओनरशिप रिलेटेड रिस्क है। इन केस ऑफ बैंक्रप्सी या फिर काइंड ऑफ एक्सट्रीम बैड बैड सीनेरियो की बात की गई है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में, तो उसके बारे में बताया। एक्सचेंज रेट रिस्क है, रिडेम्पशन करना मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप रिडेम्पशन करने जाते हो, लिक्विडिटी नहीं होगा तो आप रिडेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और ये न्यू इशू है, पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, तो लिक्विडिटी का एक रिस्क है। यूनिट्स की प्राइस फ्यूचर में कम भी हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि 300 पे लिस्ट हो रहा है, रियल इस्टेट है, सिर्फ रियल इस्टेट है तो कम नहीं होगा, तो वो कम भी हो सकता है, उसके अंदर वैल्यूएशन चेंज हो सकता है अगले साल, या फिर बढ़ भी सकता है, पॉजिटिवली भी है, बट रिस्क है। उसके बाद और फ्यूचर में अगर ये यूनिट्स सेल करते हैं, इनके जो ओनर्स हैं, जो ब्लैकस्टोन ग्रुप है वगैरह, अगर इनके जो खुद के यूनिट्स हैं, इनके जो 51% या फिर 60% ये होल्ड करते हैं, वो अगर मार्केट में लाते हैं तो डाइल्यूशन का भी रिस्क है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा होल्ड करेंगे। बिड से एक बार प्लेस करने के बाद विड्रॉ नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, और यूनिट होल्डर्स इनके जो ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनसे पैसे निकलवा नहीं सकते अगर फेल्योर आता है, तो वो एक रिस्क है। जो कुछ होगा वो बिजनेस फेस करता है, पे करता है। NAV कम भी हो सकता है,
यूरोपियन यूनियन के जो कंप्लायंस है, जो इन्वेस्टर्स वहाँ के आने के वजह से आ जाता है सिस्टम में, तो फिर वो एक एडिशनल कॉस्ट इसके ऊपर बियर क्रिएट कर सकता है। तो ये ओवरऑल था एम्बेसी ग्रुप के जो प्लस पॉइंट्स थोड़े से ही बताए, और रिस्क इन्होंने जो REIT होने की वजह से, एक्चुअली रिस्क इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, मगर लोग इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते और फिर बाद में चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें बताया नहीं गया या फिर ऐसे काइंड ऑफ थिंग। तो ये पढ़ना भी ज़रूरी है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली ये सारे जो रिस्क है, जो कुछ 50% तो मोस्टली कॉमन है, जैसे करेंसी रिस्क है, रेगुलेशन रिस्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मगर कुछ रिस्क रिलेटेड टू इनके ऊपर जो लायबिलिटीज़ है, रिलेटेड टू ये फर्स्ट टाइम होने की वजह से जो रिस्क आ सकता है बाद में, इन ये कुछ जो ग्रुप्स मिलजुल कर ये बना रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, तो ये कुछ इंडिविजुअल और स्पेसिफिकली ध्यान देने जैसे रिस्क इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि इनका कॉन्सेंट्रेशन पर्टिकुलर एरियाज़ वगैरह में। यहाँ पे इन्होंने डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है कि एम्बेसी, REIT, इधर मैनेजर्स हैं, ये ट्रस्टी हैं, एसेट SPVs, तो घुमा फिरा के एम्बेसी REIT में सब यूनिट्स होंगे, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो पहले से होल्ड करते हैं वो अपने यूनिट्स सेल करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ से जो इन्होंने स्टार्ट किया है, इंडस्ट्री ओवरव्यू दिया है, ये पहले इंडिया का GDP का और ग्रोथ रेट का ग्राफ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये मैं रैपिडली कवर करता हूँ। मेजर इकोनॉमीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, और ओवरऑल इंडिया ओवरऑल ऑफिस स्पेस के बिजनेस में कहाँ स्टैंड करता है, हमारा जो ओवरऑल GDP है उसके में कहाँ स्टैंड करता है, जो पूरे इंडिया में मार्केट स्प्रेड है, जो ऑफिस स्पेस का मार्केट है वो कहाँ पे स्प्रेड है, उसके बारे में दिया हुआ है। और इसमें खास चीज़ें इन्होंने बताई हुई है कि जो शंघाई है, लंदन है, इनके जो ऑफिस स्पेस के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिलेक्ट मेजर सिटीज़ टोटल ऑफिस स्टॉक जो है वो पुणे, MMR, बेंगलुरु, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम लोग 6 to 7 नंबर पे, तो टॉप 5-6 में हम आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑफिस स्टॉक जो न्यूयॉर्क में है, म्यूनिक में है, सेंट्रल लंदन, लॉस एंजलिस, फिर बेंगलुरु, फिर मुंबई, और फिर लास्ट में जो है वो पुणे में है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। तो इन सब जगहों पे जो ऑफिस स्पेसेस हैं उनके जो करंट रेट चल रहे हैं पर स्क्वायर फिट, उसके अंदर ऑक्यूपेंसी कितना है, वो सब इन्होंने दिया। इनका जो इवोल्यूशन है इंडिया में ऑफिस स्पेस का, पहले ऐसे स्टैंड अलोन ऑफिसेस हुआ करते थे, फिर कैंपस स्टाइल ऑफिस आने लग गए, और फिर ग्रेड ए कैंपस स्टाइल आने लग गए, और फिर राज इंटीग्रेटेड, जहाँ पे अलग अलग फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल चीज़ें होती है, वो सब है। यहाँ पे इन्होंने स्टडी किया हुआ है कि ओवरऑल जो मार्केट है रेंटल इनकम का, उसमें कैसे क्लासिफाइड है। फाइनेंशियल सर्विसेज 69% है, ई कॉमर्स 6% है, टेक्नोलॉजी 40% है, अदर्स 20% है, कोवर्किंग 5.5% है। तो ऐसे अलग अलग चार्ट आप देख सकते हैं, सिर्फ चार्ट भी देखेंगे तो आपको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग इसके थ्रू हो सकता है। इसके अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से, CBRE ने बहुत अच्छा स्टडी किया हुआ है कि, और इंडिविजुअली भी इन्होंने बताया कि इनके इनके जो अलग अलग लोकेशन से उसके डिटेल्स ग्राफ भी दिए हुए हैं कि कहाँ पे इनका ऑफिस कितना है, उसके अंदर कितना ऑक्यूपाइड है, लास्ट 3 ईयर्स में उसने कितना रेंटल दिया हुआ है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कितना है। तो ऐसे बैंगलोर, पुणे, मुंबई, सब जगह के जो इनके ऑफिसेस हैं उनके नाम है, जहाँ जहाँ पे इनके ऑफिस स्पेसेस हैं, कुछ जगह पे इनके गोल्फ क्लब्स या फिर गोल्फ रिलेटेड एक्टिविटीज़, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के स्पेसेस हैं जो कि इन्होंने रेंट पे लिए और थर्ड पार्टी को रेंट पे देते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो एक्सप्लेनेशंस है वो इस रिपोर्ट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ अगर हम पॉइंट पकड़ते हैं तो टेनेंट के डिटेल्स दिए हैं कि इन्होंने किसको किसको पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि DBS बैंक, मैकिन्जी कंपनी। इनका एक प्लस पॉइंट ये है कि इनके जो मोस्टली जो ऑफिस स्पेसेस है वो IT कंपनी से ऑक्यूपाइड है, बैंकिंग कंपनी से ऑक्यूपाइड है, जो कि हमेशा ड्यू डिलीजेंस करने के बाद ही वो जगह लेते हैं। मतलब उससे हमें एक गारंटी मिलती है कि अभी सपोज़ IBM किसी जगह पे ऑफिस सेटअप कर रही है, तो वो ये भी गारंटी देता है कि वो जिससे ऑफिस खरीद रही है उस वो भी गारंटी देने लायक एंटिटी है। तो वो हिसाब से हम एम्बेसी के बारे में कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इतने सारे बड़े बड़े जो एम्बेसी स्पॉन्सर ग्रुप
जो है या फिर ब्लैकस्टोन जो स्पॉन्सर रूप है भरोसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो उतने क्रेडिबल भी हैं। हालांकि न्यूज़ भी मार्केट में, जैसे कि मैं एक आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ, ये द हिंदू बिजनेस लाइन में एक न्यूज़ आई है कि एक कंप्लेंट फाइल किया गया है रिलेटेड टू इनके जो ड्राफ्ट लेटर डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किया है कि इनकी जो ओनरशिप कंपनी है वो ओनरशिप पैटर्न मैं दिखा देता हूँ पहले, सबसे पहले। ओके जस्ट अ सेकेंड, कि ओनरशिप पैटर्न इज़ ऑन पेज नंबर 256। तो उससे मैं इशू जो न्यूज़ में थोड़ा बहुत एक लाइट डिस्कशन उस पर हम कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें कंफर्मेशन सेबी ने भी दिया नहीं है कुछ भी। ओके तो ये इनका ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न है, जो एम्बेसी REIT यहाँ टॉप में है, और नीचे ये अलग अलग कंपनी से अलग अलग इन्होंने कौन से जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड किए वो कंपनीज़ के नाम पे वो दिया हुआ है। पहला है INMPL, फिर QBPL, फिर QBPPL, ETPL, VCPPL, JSPL, OBPPL, UPPPL, MPPPL, EEPPL और GLSP। तो उसमें से जो MPPPL, EEPPL और GLSP जो हैं वो मेन है, उनको सबको EOPPL ने होल्ड किया है, और EOPPL को बेसिकली होल्ड किया हुआ है एम्बेसी REIT में। तो ये घुमा फिरा के सब MBIC REIT में है। इनके सपोज EOPPL के हम जो शेयर होल्डर्स हैं वो देखते हैं, तो वहाँ पता चलता है कि 50% एम्बेसी स्पॉन्सर्स हैं। उसके बाद ये सिंगापुर लिस्टेड कंपनीज़ हैं, 1, 2, 3। जस्ट अ सेकेंड, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गया था। तो ये सब इनके होल्डर्स है। तो इसके अंदर ये जो MPPPL है, जो कि अच्छा खासा शेयर होल्ड करते, जिसमें से रेड्डी वीरन्ना जो हैं और सगुना रेड्डी जो हैं वो लगभग 27.5% इसके अंदर ओन करते हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ लिटिगेशंस चल रहे हैं। तो उसके बारे में इनके जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर डिस्क्लोजर नहीं देने के बारे में एक मांडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंप्लेंट किया था कोर्ट में। तो सेबी ने उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन अभी तक तो दिया नहीं है। तो वैसे कुछ इश्यूज़ भी हैं, मगर वो इतने बड़े भी नहीं हैं। 5,000 करोड़ का जो IPO है उसके हिसाब से वो इश्यूज़ बहुत छोटे हैं। तो उसके बारे में मुझे डिटेल में समझ में भी नहीं आया। तो ये पूरा होल्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कि हर कंपनी में किसका किसका कितना होल्डिंग है, अलग अलग ग्रुप के नीचे कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र करने वाला है, वो सब डिटेल भी यहाँ पर दिया हुआ है। बेसिक में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने जो REIT है उससे रिलेटेड इश्यूज़ और पॉइंट्स कवर करने की मैंने कोशिश की है। एक्चुअली ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। इसके जो थ्रेड्स हैं वही बहुत ज़्यादा बड़े हैं, उनको शॉर्ट में कवर करना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि ये एक रियल इस्टेट रिलेटेड इशू है। कंपनी होती है तो हम वैसे पैरामीटर्स को होल्ड पे रख सकते हैं, मगर आई थॉट कि वो कवर करना ज़रूरी है, तो रिस्क को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इस पूरे अंडरस्टैंडिंग वीडियो में। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके डिटेल्स, परचेस प्रॉपर्टी कब किया कैसे किया वो सब डिटेल दिया हुआ है। तो अच्छी खासी सफिशिएंट डिटेल इनके ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, तो कोई इंटरेस्टेड है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, जो कोई इंटरेस्टेड है तो वो इसको पढ़ के समझ सकता है। एम्बेसी ऑफिस पास का एक अच्छा सा REIT आया, जो कि 50%, ये वीडियो जब मैं बना रहा था तब तक सब्सक्राइब हो चुका था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको क्वेरी है, जो समझ में नहीं आया या फिर जो मैंने बात गलत बताई है, प्लीज़ करेक्ट मी। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी सिर्फ मेरा अंडरस्टैंडिंग आपके आपके थ्रू आपके साथ इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। तो शेयर मार्केट फ्रेंड को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।